Hello everyone, so let's talk about the next part of trigonometry, and this video is based on finding the maximum and the minimum value of the expression which has a sine theta plus b cos theta. In actual CAT variety, CAT mein aa chuka hai question. So how will we find the minimum value, the maximum value of the expression? Let's understand. Sabse pehle hum ek baat kaam karte hain ki ek triangle assume karte hain jiske andar humne ye le liya ki right angle triangle hai, this is a and this is b. है ना, और मान लेते हैं जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू आ रही है जो हमें फाइंड करना है v. तो हमें v फाइंड करना है कि v की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है. अब अगर ये ट्रायंगल है जिसमें कोफिशिएंट्स को लेके अगर हम एक ट्रायंगल ले लें तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज पाइथागोरस की हेल्प से मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया. अच्छा, अब जो मुझे फाइंड करना है ना, मुझे फाइंड करना है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू. मैं इसको डिवाइड करता हूँ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं अगर ये एंगल आपका होता फाई, अगर ये एंगल फाई होता तो यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू वन बननी चाहिए, और ए के अपॉन में अगर मैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा वो कॉस मिलेगा, बिकॉज बी है ना, अगर ये एंगल फाई है, इफ दिस एंगल इज फाई तो ये वाला आपका बेस हो गया, सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है दिस पार्ट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग कॉस फाई, साथ में साइन थीटा है, फिर मैंने डिवाइड किया है पूरे टर्म को तो यहाँ आ गया बीस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, साथ में आ गया कॉस थीटा इजिकल टू में आ गया वी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया. सो ये जो a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है रूट में, ये cos अल्फा और sin अल्फा को रिप्रेजेंट करता है. नाउ लुक वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिए, a के अपॉन में अगर ये आएगा सो दिस इज बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos, सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट cos phi, साथ में आ गया sin थीटा प्लस b, b इज परपेंडिकुलर, b अपॉन हाइपोटेन्यूज दिस रिप्रेजेंट आपका sin phi, तो साइन फाई आ गया, साथ में आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया वी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो डायरेक्टली आई कैन राइट बाय यूजिंग कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसी फॉर्मेट में है, सो यूजिंग दिस आई कैन राइट कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई है, और इसके इक्वल टू में आ रहा है वी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. राइट, नाउ आई नो दैट कि साइन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा माइनस वन और वन के बीच में लाया करता है. राइट, तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव की जगह पे आई एम राइटिंग वी अपॉन द वैल्यू इज वी, वी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे अगर बात की जाए तो वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटी होगी, लेकिन माइनस ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ी होगी. सो आई कैन डायरेक्टली राइट की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, आई कैन राइट कि वैल्यू मैक्सिमम जो बनेगी वो बनेगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वैल्यू जो मिनिमम बनेगी वो बनेगी माइनस ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं. राइट, अब इसमें कैट क्वेश्चन कौन सा था वो समझते हैं एक बार. सो वैल्यूज यहाँ पे चेंज की हुई है बट इन एक्चुअल कैट वैरायटी यहाँ बोला द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. अब इतने पार्ट की वैल्यू तो मुझे मालूम है फिक्स है, साथ में माइनस फाइव दिया हुआ है. सो पहले हम बात कर लेते हैं एट कॉस एक्स प्लस फिफ्टीन साइन एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है. सो इसकी वैल्यू मिनिमम क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी मिनिमम में अंडर रूट में माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस गिव यू माइनस ऑफ सिक्सटी फोर प्लस टू ट्वेंटी फाइव, दिस गिव यू माइनस ऑफ टू एटी नाइन, दिस गिव यू माइनस के सेवनटीन, और अगर बात की जाए मैक्सिमम की तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. तो इन शॉर्ट मुझे मालूम है कि वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम जो आएगी दैट विल बी प्लस माइनस अंडर रूट में 17, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट तो कॉन्स्टेंट है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है. तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एट कॉस एक्स प्लस फिफ्टीन साइन एक्स माइनस फाइव का जो वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू की बात करें तो माइनस के, आई एम वेरी सॉरी ये रूट क्यों लगा दिया मैंने, एक्स्ट्रा रूट क्यों आएगा, दिस इज प्लस माइनस 17. तो मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम वैल्यू एक्सप्रेशन इज माइनस के 17 माइनस 5, दिस गिव यू माइनस 22, और अगर मैक्सिमम पूछता तो 17 माइनस 5 12. तो मिनिमम वैल्यू इज माइनस 22, मैक्सिमम वैल्यू इज 12
फॉर द गिवन एक्सप्रेशन. सो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं. राइट, थैंक यू.